Voi, mă! Justice! Voi, mă! Justice! Voi, mă! Justice! Santiago! Una parega! Voi, mă! Justice! Voi, mă! Justice! Voi, mă! Justice! आज हमारा 17 डे है तो यहां पे प्रोटेस्ट का 3 दिन से हम गवर्नर हाउस के बाहर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे केसेस जो है अभी ये एसआरओ 43 के सीएस के पास पेंडिंग पड़े हैं पिछले 2.5 साल से अराउंड 50 ऑर्डर जो है वो निकल चुके हैं हमारे 50 भाइयों ने ज्वाइन किया है हमारे जो बाकी अराउंड 60 केसेस जो पूरे कंप्लीट है जो हमारे हमें हर कहीं से अप्रूवल मिला है चाहे वो होम डिपार्टमेंट हो जीएडी डिपार्टमेंट हो या डीजी साहब ने रिकमेंड किया है बार बार हमारे केसेस जो है सीएस साहब आगे नहीं कर रहे हैं अपने पैरों में जो हमारी फाइल रखी है धूल चाट रही है पिछले 2.5 साल से हमारी फाइलें हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीएस साहब से भी गवर्नर साहब से भी प्लीज़ इन केसेस को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कीजिए हम इतनी बार ग्रीवेंसी डाल चुके हैं गवर्नर ऑफिस में भी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमें बस बोला जा रहा है आज होगा कल होगा आज होगा कल होगा हम पुलिस वालों के बच्चे हैं जिनको टॉप प्रायोरिटी दी जाती है हर कैंप पे आज हम रोडों पे आ चुके हैं कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है घर की कंडीशन इतनी खराब है लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है हमें बस सिर्फ फॉल्स ये दे रहे हैं बस आज हो जाएगा कल आप बस डायरी रखिए सर कितना रखें हम परेशान हो गए हैं सब बच्चे कोई पुंछ से कोई दोड़ा से कोई कश्तवाड़ से कोई कश्मीर से कोई कहाँ कहाँ से आके यहाँ पहुँचते हैं हमें पता है हम कैसे यहाँ पे आते हैं बट हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी एक ही मांग है कि हमारे केसेस जो है जल्द से जल्द आप सर कर दीजिए सॉर्ट आउट हम जल्द से जल्द ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि हम में से काफ़ी सारे लड़के हैं जो ओवर एज हो चुके हैं अराउंड 35 तक हो चुके हैं बट हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में स्ट्रेस में इस टाइम पे अपने डेज निकाल रहे हैं कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं यही चाहते हैं कि जल्द से हमारे ऑर्डर सर हो जाए सर